हेलो गाइस, स्वागत है आपका नेहा स्वीट किचन में। मैं आपके लिए आई टेस्टी से क्रिसमस स्पेशल प्लम केक की रेसिपी, प्लस नॉर्मल वाले केक। मैंने यहाँ पर लिए चेरी, मैंने यहाँ पर लिए ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिए टूटी फ्रूटी, और यहाँ पर लिए मैंने ड्राई चेरी चीज़ों को। मैंने यहाँ पर ले लिया ये ऑरेंज जूस, मैंने ऑरेंज जूस जो लिया है, आप ओरिजिनल ले, आप खुद घर पर निकाल कर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है पैक मार्केट वाला। ये इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर जूस में सोक करने के लिए रख देती हूँ आधे घंटे के लिए अच्छे से। यहाँ पर ली है मैंने ये हरी इलायची फ्लेवर के, मैंने यहाँ पर ये काजू और बादाम, आप अखरोट का यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी चाहें वो ड्राई फ्रूट्स में डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है फ्लेवर के लिए जायफल, दालचीनी का छोटा टुकड़ा, 2 से 3 लौंग, और यहाँ पर लिया मैंने 2 छोटी इलायची। इन सभी चीज़ों को क्रश करके ले ली। इन सभी चीज़ों को आप चाहें तो मिक्सी में लीजिए, यहाँ पर हम कूट कर ले लेंगे। चीनी को हम कर लेते हैं मेल्ट। मैंने यहाँ पर ले लिया चीनी आधी कटोरी, 2 बूंद, इसमें मैं सिर्फ पानी डाल रही हूँ। चीनी को हम कैरमलाइज होने देंगे। चीनी जो हमारी कैरमलाइज है ये इसमें डाल देते हैं, इसमें डाल दिया है 2 चम्मच पानी, इसमें अच्छे से डिजोल्व कर लेंगे इसको। हमारा कैरमलाइज सिरप भी तैयार हो गया है, हमारा जो कैरमलाइज सिरप है वो बनकर तैयार है। चलिए हम केक बनाना शुरू करते हैं। हम बना लेते हैं अपना बैटर। मैंने यहाँ पर ले लिया 1.5 कप मैदा, इसके साथ डाल देते हैं अपना जो फ्लेवर हमने बना कर रखा है। मैंने यहाँ पर इलायची को छील कर कूट लिया है, और मैंने यहाँ पर ले दालचीनी और लौंग को भी कूट लिया है। ये डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा क्रश करके। जायफल आपको मामूली सा ही क्रश करके डालना है। हम थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर हमने इसमें डाल दिया है कलर के लिए, अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसको। बहुत इजी तरीके से हम बना रहे हैं। इसी साइड में इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच ऑयल, अनफ्लेवर्ड ऑयल है, इसका कोई फ्लेवर नहीं है। साथ डाल देते हैं हमने जो यहाँ पर लिए हैं भिगोए हुए नट्स, हमारा जो हमने जो कैरमल सिरप बनाया था वो थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम बैटर बना लेंगे। इसी के साथ डाल देते हैं हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा हम डालेंगे। मैंने पहले डाला है थोड़ा सा ही हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं इसमें, आप चाहे तो इनो का यूज़ कर सकते हैं। इनो का यूज़ आप सभी चीज़ें मिक्स होने के बाद करें। इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा रूम टेम्परेचर पर दूध। डाल दूंगी मैं इसकी, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस को। हमारे ग्रीस टेन है, हम इसमें डाल देते हैं केक टेन में अपना सारा बैटर। मैंने पहले से इसको ग्रीस करके रख लिया था, और इसे सारा बैटर इसमें डाल देंगे इतना। ये देखिए, चलिए इसका बैटर जो है अच्छे से ये देख सकते हैं हम, इसका बैटर तैयार हो गया है। इसको डेकोरेट कर देंगे हम काजू से। हम रख देते हैं इसको अपने ओवन में। देखो मैंने कढ़ाई को पहले से प्रीट होने के लिए रख दिया था। मैं हमेशा इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि जो हमारी कढ़ाई है वो जले ना। हम रख देंगे अपने केक टिन को इसके अंदर।
मीडियम फ्लेम पर रख देंगे आधे घंटे के लिए। हम 10 मिनट में इसको चेक करेंगे। चलिए देखिए हमारा जो केक है लगा है और जो हमने डेकोरेट की थी वो नीचे जा चुके। इसलिए फटाफट से दोबारा से हम डेकोरेट करेंगे। ये काम आपको फटाफट से करना है। छोटे छोटे अच्छे से ये लगा देंगे इसको। तो 15 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे। चलिए 20 मिनट हो चुकी है, हम चेक कर लेते हैं। हल्का सा ही देखिए, बिल्कुल हल्का सा ही लगेगा आ रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम उसको पकने देंगे 10 मिनट के लिए और बस इसको पकने देंगे हम। अरे हम देख लेते हैं अपने केक को। वाह, 20 से 25 मिनट हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन आई है हमारी टूथपिक, जो है बिल्कुल ही क्लीन निकल कर आई है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हमारी टूथपिक आई है निकल कर। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन टूथपिक आई है। गैस को कर देते हैं हम बंद। चलिए देखिए हमारा केक, आप देख सकते हैं साइड्स को। आप इसको देखिए कि साइड्स इसने कैसे छोड़ दी है। इसे ही पता चल रहा है हमारा केक जो है बनकर तैयार हो गया है। इसको ठंडा होने देंगे हम। ठंडा होने के बाद इसको डिमोल्ड कर लेंगे। इसे ही पता चल रहा है कितना सॉफ्ट केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी देखिए कितना सॉफ्ट केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा केक बना है और बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी। चलिए क्रिसमस पर इसे एंजॉय कीजिए और ज़रूर बताइए मुझे कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। एंजॉय करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चलिए मेरी रेसिपीज़ को आप ज़रूर एंजॉय करें। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको ये झटपट बनने वाले प्लम केक की बगैर अंडे की जो हमने बनाया, बगैर एग के, बगैर ओवन के जो केक बनाया बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप जरूर बनाइए और बच्चे भी खुश हो जाएंगे क्रिसमस पार्टी में। इस तरीके से आप हमको केक बना कर देंगे। बाहर से बहुत कॉस्टली पड़ता है, आप घर में इसको सस्ते में आप इसको सस्ते में बनाइए और चलिए इंजॉय करें। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।